हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ग्रेस बी ग्रीस पाठक में। अब आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, लाइक अभी से कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं चॉकलेट ट्रफल का हार्ट शेप। ये देखिए, ये मैंने 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में सेट किया है और बिल्कुल हार्ड हो रखा है। अब इसमें सिर्फ मैंने कोटिंग कर रखी है और अब इसको मैं आइसिंग कर लूँगा। ये देखिए, आइसिंग कर लूँगा और ये देखिए चॉकलेट ट्रफल भी मैंने ढीला बना रखा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा निकाल के टेबल पर नाइफ मार लीजिए और आपका भी ऐसा हो जाएगा। तो गाइस, ये मेरी काफ़ी वीडियोज में पीछे से आवाज़ आती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और एक वीडियो मेरी गलती से उल्टी रिकॉर्ड हो गई थी और जो मैंने वही अपलोड की थी। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि वीडियो उल्टी अपलोड होगी। और ये कॉम है, मैं इससे सिंपली इसमें कॉम मार लूंगा। चाहे तो आप इसमें चॉकलेट ग्लेज भी चला सकते हो और इसी चॉकलेट ट्रफल को भी चला सकते हो, आपको जो ठीक लगे। आपके पास चॉकलेट गनाश नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि चॉकलेट ग्लेज, सॉरी, आपके पास जो भी है अभी वही चढ़ा डाल सकते हो आप। चॉकलेट ग्लेज से होता है कि अच्छी थोड़ी चमक आती है केक के ऊपर। और ऊपर से हम प्लेन कर लेंगे। इस तरीके से तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्योंकि ये होता ही है, लोग इधर उधर चलते रहते हैं। ये हमारा अभी आइसिंग हो चुका है। अब हम इसी गनास को देखिए मेल्ट कर लेंगे, यही गनास है, इसको मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें चलाते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए मेल्ट हो चुका है। अब हम सिंपली इसके ऊपर इसको डाल देते हैं पूरा। और अब एक बार हल्की सी नाइफ भी फेर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जितना भी है निकल जाए। तो साइड से वही कॉम, फिर से इसी तरीके से कॉम से ये देखिए। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया और अब हम इसमें फ्लावर भी लगाने वाले हैं और गार्निश भी लगाने वाले हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए किस तरह करने वाले हैं। तो भाई, ये स्टार नोजल में मैंने ट्रफल पहले से भर के रखा है पाइपिंग बना के। ये देखिए कुछ इस तरीके से, साइड का बॉर्डर ये हो गया यहाँ का बॉर्डर। अब हम सिंपली इसमें भी बॉर्डर लगाने वाले हैं।
शायद से कुछ फंस गया था इसमें। ये इतना कर लिया है, यहाँ तक कैसा लगा आपको ये भी बताइए। अब हम इसमें बना लेते हैं इसके लिए फ्लावर। तीन चार फ्लावर लगेंगे हमारे इसमें। तो गाइस हमने ले लिया फ्लावर, ये छोटा सा नोजल जो सी टाइप का होता है, और जो मुड़ा हो अंदर को पिचका हुआ भाग होता है वो अपनी तरफ रखें, और बड़ा कोना नीचे रखें, छोटा कोना ऊपर। सिंपली टर्नटेबल को इस तरह घुमाइए और इस तरीके से ये देखिए केक छोटा है हमारा, तो इसी तरीके से चार पांच फ्लावर जितने आएंगे इस पर लगा लेते हैं। इसमें हम कलर भी करेंगे, देखना आप और किस तरह लगाएंगे ये भी देखिए। तो इतने फ्लावर बना लिए मैंने, अभी पांच छह फ्लावर बना लिए। तो इसके लिए मैं सिंपली ये रेड कलर यूज कर रहा हूँ जो टमाटो रेड है पाउडर वाला। देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से रेड हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल प्योर रेड देख पा रहे होंगे, जैसे कि कैमरे में दिख रहे हैं सेम ऐसे रेड हो चुके हैं अभी। तो गाइस अब हम इस तरीके से इसमें फ्लावर लगा लेते हैं सारे। तो इतने कुछ इतने फ्लावर आ रहे हैं इस पे। चार से पांच फ्लावर आए इसमें, तो वो हमने लगाए। और इस तरह की गार्निश भी लगाई है इसमें हमने। अगर आपने ये गार्निश नहीं देखी तो मैंने वीडियो पहले बताई है, अगर आपको फिर भी देखनी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो गाइज कैसा लगा आपको ये केक कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज ये हो चुका है हमारा केक रेडी, और अब हम
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया केक तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो किए बिना बिल्कुल ना जाएं, बेल आइकन प्रेस भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।